एक पार्क में दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे। पहला, मेरी एक पोती है, शादी के लायक है, बीई किया है, नौकरी भी करती है, कद 5 फुट 2 इंच है, सुंदर है, कोई लड़का नजर में हो तो बताइएगा। दूसरा, आपकी पोती को किस तरह का परिवार चाहिए? पहला, कुछ खास नहीं, बस लड़का एमई या एमटेक किया हो, अपना घर हो, कार हो, घर में एसी हो, अपने बाग बगीचा हो, अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, कोई लाख रुपए तक तो हो। दूसरा, और कुछ? पहला, हाँ सबसे ज़रूरी बात, अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए, वो क्या है, लड़ाई झगड़े होते हैं ना। दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आईं और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, मेरे एक दोस्त का पोता है, उसके भाई बहन नहीं है, माँ बाप एक दुर्घटना में चल बसे, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख सैलरी है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर हैं। पहला, तो करवाऊं ना रिश्ता? दूसरा, मगर उस लड़के की भी एक शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उसका गला भर आया, फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। पहला, ये क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या, कल को उसकी खुशियों में दुख में कौन उसके साथ और उसके पास होगा। दूसरा, वह मेरे दोस्त, खुद का परिवार परिवार है, दूसरे का कुछ नहीं। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ, घर के बड़े घर के छोटे सभी अपनों के लिए ज़रूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नीरस बन जाएगी। पहले वाले बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के साथ कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, परिवार है तो जीवन में हर खुशी खुशी लगती है, अगर परिवार नहीं तो किससे अपनी खुशियां और गम बांटोगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।